तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। इसके लिए मैंने लिए है 3 किलो गाजर, जिसको मेरे हस्बैंड ने छिल के धो के कोर दिया है। फिर मैंने कढ़ाई में डाला है 1 लीटर दूध, जिसको मैंने 1/2 लीटर तक पकाया है, मैंने इसको आधा कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है कोरा हुआ गाजर, जिसको मैंने पूरा बहुत देर तक पकाया है, जब तक कि दूध सूख ना जाए। दूध को सुखाना जरूरी है गाइस। इसमें दूध सूखने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में डाला है बहुत सारा घी, क्योंकि बिना घी के तो स्वाद नहीं आएगा। और इसमें हल्का सा छौंका मार रखा है मैंने इलायची का, क्योंकि उससे अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद डाल दिया इसमें अपना पूरा गाजर जो मैंने कोर के उबाल के रखा हुआ था। चीनी इसमें अब मैं ऐड करूंगी, और चीनी मैंने 3 किलो के लिए ले रखा है, मात्र 400 ग्राम चीनी। फिर इसमें ऐड करूंगी मैं अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट, जो जो आप पसंद है सब आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद उसको पूरा सुखाइए, सुखाना है, पूरा भुनना है, इतना भुनना है कि इसमें जो घी है वो घी छोड़ दे। अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, हल्का सा पिंक से ब्राउन टाइप का हो गया है। तो गाइस अब ये तैयार है सर्व करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।